रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए ईरान के उन व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन व्यापारियों ने रूस को ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई दी थी। ये वही शाहिद 136 ड्रोन है जिसकी मदद से रूस ने कीव में जमकर तबाही मचाई थी। तो ईरान के खिलाफ ब्रिटेन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। ईरान के व्यापारियों पर अब प्रतिबंध लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। रूस को ड्रोन देने वालों पर ये एक्शन लगातार किया जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से। पुतिन की फौज ने एक ऐसा पासवर्ड हैक कर लिया है जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की का डर 10 गुना बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की को अब इस युद्ध में ब्लैकमेलिंग का डर सताने लगा है। बताया गया कि पुतिन की सेना ने हिमारस की खामियों का पता लगा दिया है और वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ज़ेलेंस्की की सेना पर बड़ा हमला किया जाए, क्योंकि हाईमार्स ही है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस पर कहर बरपाया हुआ है। ज़ेलेंस्की ने हाइमर्स चलाया, एक के बाद एक कई रॉकेट आगे हाइमर्स की पूरी बैटरी खाली कर दी। और फिर देखिए क्या हुआ, रूस के फौजी ठिकाने का ये हाल। ये है मेलिटोपोल, यूक्रेन का वो शहर जहां रूस का कब्जा है, जहां हमला करके ज़ेलेंस्की ने पुतिन की फौज को बहुत ज्यादा डरा दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि इस हमले में रूस के करीब 200 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उनके दावे पर मोहर लगाएगा कौन? हालांकि पुतिन के लिए बड़ा सवाल यह है कि मेलिटोपोल पर हमला कहां से हो रहा है, रूस हाइमर्स के हमले को रोकने में क्यों नाकाम हो रहा है, पुतिन ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या करेंगे। मैप पर देखेंगे तो पाएंगे कि मेलिटोपोल से खेरसोन की दूरी है 200 किलोमीटर और यहां से हमला करने के लिए ज़ेलेंस्की को चाहिए लॉन्ग रेंज रॉकेट, जबकि उनके पास 90 किलोमीटर रेंज वाले ही रॉकेट हैं। इसलिए यह हमला नीप्रो नदी के सबसे नजदीकी किनारे डोडचैनी का फासला है 90 किलोमीटर और यहां से यह हमला मुमकिन है। हाइमर्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया है। खेरसोन से भी रूस को इसीलिए पीछे हटना पड़ा क्योंकि यूक्रेन ने हाइमर्स के इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। मेलिटोपोल की ये तबाही और यहाँ लगी आग बताती है कि पुतिन हाइमर्स के आगे काफी बेबस महसूस करने लगे हैं। खेरसोन से पीछे हटने के बाद पुतिन की फोर्स का बड़ा ठिकाना अब मेलिटोपोल के आसपास ही बना हुआ है, लेकिन मेलिटोपोल टूटा तो पुतिन के लिए क्या होगा? मेलिटोपोल से मारियोपोल की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है, यानी मेलिटोपोल भी खेरसोन की तरह छूटा तो मारियोपोल में पुतिन के कब्जे पर खतरा मंडराएगा। मेलिटोपोल से क्राइमिया पेनिनसुला की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है और पुतिन मेलिटोपोल भी हारे तो क्राइमिया को ज़ेलेंस्की घेर सकते हैं और ये पुतिन की बहुत बड़ी हार होगी जिसका सदमा वो नहीं झेल पाएंगे। ज़ेलेंस्की पुतिन के लिए इसलिए बड़ा खतरा बन सकते हैं क्योंकि हाइमर्स की ताकत उनके पास है, लेकिन सवाल है कि कब तक? क्या हाइमर्स का कोई तोड़ नहीं? क्या हाइमर्स ही इस युद्ध का फैसला कर देगा और पुतिन को ये जंग हारनी पड़ सकती है? यहाँ रुकिए, पुतिन की फोर्स के पास इसका जवाब है और दावा ऐसा किया जा रहा है कि युद्ध में हाइमर्स के दिन पूरे हो चुके हैं। रूस को यह पता चल गया है कि हाइमर्स -20 डिग्री तापमान में काम करना बंद कर देता है, यानी ठंड बढ़ी तो हाइमर्स रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से जाम हो जाएगा। -20 डिग्री का मतलब ऐसी ठंड जब मशीन तक जम जाती है। ये हाइमर्स का पासवर्ड हैक करने जैसा है और पुतिन ने ऐसा करके ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ी टेंशन में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि ठंड बढ़ते बढ़ते हाइमर्स एक सिटिंग डक बनकर रह जाएगा। अंग्रेजी में यह टर्म ऐसे टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका शिकार बहुत आराम से किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक हाइमर्स के 20 सिस्टम भेजे हैं और इसके हजारों रॉकेट भी नेटो के जरिए सप्लाई किए गए हैं।
रूस की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि हाइमर्स को रोकने के लिए उनके पास बहुत बड़ा हथियार आ गया है। ये हथियार कोई नया एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एक नया सॉफ्टवेयर है जिससे उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर अब हाइमर्स के रॉकेट को रोकने में ज्यादा सटीक साबित हो रहा है। ये हाइमर्स की रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री यानी उसके फ्लाइट पाथ को ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक करके उसे रोक सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच जब ज़ेलेंस्की हाइमर्स से अलग अलग मोर्चे पर रूस पर बमबारी कर रहे हैं तब बीच में ऐसी रिपोर्ट भी आई कि रूस के हाथ एक हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम लग गया है। इसके बाद रूस ने इस सिस्टम को बारीकी से देखा और इसकी खूबियों और कमियों को बहुत अच्छी तरह से परखा और जो बात फिर सामने आई उसने रूस को चौंका कर रख दिया। रूस के फर्स्ट आर्मी कोर के एक अफसर ने जो दावा किया उसे गौर से समझिएगा। रूस ने हाइमर्स के रॉकेट को भी जांचा परखा। उसके रॉकेट के हिस्से रूस के लैब में भेजे गए और उससे बहुत चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। हाइमर्स का रॉकेट माइनस तापमान के बाद दिक्कत करना शुरू कर देता है और रिपोर्ट है कि माइनस 15 से 20 डिग्री पर यह काम नहीं करता है। इसलिए ज़ेलेंस्की को फिक्र इस बात की है कि जब तापमान माइनस 20 डिग्री होगा तो हाइमर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यूक्रेन के कई हिस्सों में सर्दी के दौरान तापमान माइनस 25 से 30 डिग्री तक चला जाता है और यही वो वक्त होगा जिसका पुतिन को इंतजार है। जब पूरा यूक्रेन बर्फ से घिरा होगा तब हाइमर्स के लिए रॉकेट फायर करके अपनी पोजीशन बदलना भी आसान नहीं होगा और ऐसे में ये रूस के जवाबी हमलों का टारगेट बन सकता है। इसलिए हाइमर्स के लिए आने वाली कड़ाके की सर्दी में छुपना भी आसान नहीं होगा।